बिल्ली के गले में घंटी कहानी। एक शहर में एक बहुत बड़ा मकान था। उस मकान में चूहों ने डेरा जमा रखा था। जब भी मौका मिलता वे अपने अपने बिलों से निकलते और कभी खाने की चीज़ों पर अपना हाथ साफ करते तो कभी घर की अन्य चीज़ों कुतर देते। उनका जीवन बड़े मज़े से बिता रहा था। इधर मकान मालिक चूहों से तंग आ चुका था, इसलिए वह एक बड़ी सी बिल्ली ले आया। अब वह बिल्ली उसी घर में रहने लगी। बिल्ली के आने से चूहों का जीना आराम हो गया। जो भी चूहा बिल से निकलता वह उसे छट कर जाती। चूहों का बिल्लों से निकलना मुलाहाल हो गया। वे दहशत के माहौल में जीने लगे। बिल्ली उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन गई थी। समस्या से निजात पाने का उपाय निकालने के लिए एक दिन चूहों की सभा बुलाई गई। सभा में सभी चूहे उपस्थित हुए। सभा की अध्यक्षता कर रहे चूहे ने सबको संबोधित करते हुए कहा, साथियों, आप सब जानते हैं कि हम लोग बिल्ली रूपी बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। वह रोज़ हमारे किसी ना किसी साथी को मारकर खा जाती है। बिल्लों से निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन इस तरह हम कब तक बिल से चुप कर रहेंगे? भोजन की व्यवस्था के लिए तो हमें बिल से बाहर निकलना ही होगा। यह सभा इसलिए आयोजित की गई है ताकि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। आप एक एक करके अपना सुझाव दे सकते हैं। एक एक कर सब चूहों ने इस समस्या पर अपनी अपनी सोच के हिसाब से सुझाव दिया, लेकिन किसी भी उपाय पर सब एकमत नहीं हुए। तब अंत में एक चूहा उठा और चहकते हुए बोला, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बहुत ही बढ़िया उपाय आया है। क्यों ना हम बिल्ली के गले में एक घंटी बांधे। इस तरह बिल्ली जब भी आसपास होगी उस घंटी की आवाज़ से हमें पता चल पाएगा और हम वहां से भाग जाएंगे। कहो कैसा लगा उपाय? सारे चूहे को ये उपाय बहुत पसंद आया। वे खुशी में नाचने और झूमने लगे, मानो उनकी समस्या का अंत हो गया हो। तभी एक बूढ़ा और अनुभवी चूहा खड़ा हुआ और बोला, मूर्खों, नाचना गाना बंद करो और ज़रा ये तो बताओ कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ये सुनना था कि चूहों का नाचना गाना बंद हो गया। बिल्ली के गले में घंटी बांधने अपनी जान से हाथ धोना था। कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ। सब में शांति छा गई थी। तभी इस शांति को चिरते हुए बिल्ली के कदमों की आहट सबके कानों में पड़ी। और फिर क्या था, सब सिर पर पैर रखकर अपने अपने बिल्लों की ओर भाग खड़े हुए। सीख योजना बनाना का कोई औचित्य नहीं यदि उस लागू ना किया जा सके।